हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, मींस जेपी पावर शेयर के बारे में। कैसे 7.01 एंड आज इसमें 1.27 का नेगेटिव रिटर्न दिया है इंट्राडे में। फ्रेंड्स, कंपनी है ट्रांसमिशन ऑफ पावर से रिलेटेड कोल माइनिंग एंड पावर जनरेशन सेक्टर की। मार्केट कैप है 4798 करोड़ एंड 52 वीक लो 3 के आसपास बनाया है, हाई 11 के आसपास बनाया है। ROC, ROE काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो ये एक बेस्ट चीज़ है पेनी स्टॉक के लिए। फ्रेंड्स, मेन चीज़ है कि इस शेयर से रिलेटेड एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी डेफिनेटली शो करना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं शेयर में। फ्रेंड्स, प्रमोटर होल्डिंग इनकी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, तो यह शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शेयर पावर सेक्टर का है और पावर की डिमांड आपको पता है लगातार बढ़ने वाली है। और फ्रेंड्स, जितनी भी पावर के रिलेटेड कंपनीज हैं उनको धीरे धीरे अब रिन्यूअल एनर्जी सोर्सेज में ट्रांसफ़र करना है। ये हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर में यही होगा, तो ये शेयर भी आपको एक अच्छा लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें अच्छा देख सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज़ द लेटेस्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर टू बी मेड बाय एन एंटिटी आइडेंटिफाइड एज अ लार्ज कॉर्पोरेट एनेक्चर 7। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं तो आप इसमें इजीली समझ सकेंगे कि इसके अंदर क्या मेंशन है। सो फ्रेंड, दिस इज जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, इसका सब्जेक्ट है फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटीज बाय लार्ज एंटिटीज। सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि दिस हैज रेफरेंस टू सेबी सर्कुलर डेटेड दिस। इन दिस कनेक्शन वी विश टू सबमिट दैट दो जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड, इन्होंने अपनी आउटस्टैंडिंग बताई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग की ओवर 100 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2022। हाउएवर द सर्कुलर ऑन फंड रेजिंग बाय इशुएंस ऑफ डेप्ट सिक्योरिटी। तो फ्रेंड, ये फंड रेजिंग का एक मीन्स आप अगर समझ सकें तो फंड रेजिंग के बारे में कंपनी सोच रही है, तो इसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किया है और इन्होंने अपनी इसमें साथ में बोरोइंग भी बताई है। सो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट अबाउट जेपी पावर जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इसे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छा डेफिनेटली रिटर्न मिलने वाला है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। जिन्होंने भी जेपी पावर को होल्ड कर रखा है उन्हें इनका लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर रहा है। अभी 7 रुपीज़ के आसपास स्टॉक मूव कर रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं इसे तो आप इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 10 रुपीज़ का लेकर आराम से चल सकते हैं। पावर की डिमांड वैसे भी बढ़ गई है और वैसे भी आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर भी देखें तो जर्मनी के साथ एक डीपर कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया का टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू जेपी पावर शेयर, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिवेट विद इन द नेक्स्ट 3 to 4 days बिकॉज देयर आर सो मेनी रिक्वेस्ट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर काइंड सपोर्ट, एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।